हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं जाकर आई हूँ कॉडम देसर। आज संडे भी था और बोल रखा था कॉडम देसर जाने का, तो वहाँ जाके आई। और वैसे भी आज व्रत था मेरा और इनका, तो कॉडम देसर से आए उसके बाद बेटा बहू बोले हम बाहर खा के आते हैं, तो मैंने कहा तुम लोग जाओ बाहर। हमारा व्रत था मेरा और इनका 11 का, तो बस अब खाली बैठी हूँ, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। तो आज घर में ग्रॉसरी आई है, आपको दिखाती हूँ ग्रॉसरी। तो ये ग्रॉसरी का सामान आया है, ये आटा है। आप सोचेंगे ये ग्रॉसरी क्यों दिखा रही हूँ, तो ग्रॉसरी इसलिए दिखा रही हूँ कि आज मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो बना रही हूँ कि हमारी रसोई में हमेशा बरकत कैसे रहे, अन्नपूर्णा माता हमसे खुश कैसे रहे, और हमेशा हमारी रसोई सामान से, जो ग्रॉसरी का सामान है उससे भरी भरी कैसे रहे, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ मैं, जिससे आपकी रसोई हमेशा भरी भरी रहेगी सामान से। और जो ग्रॉसरी का सामान होता है वो भरा भरा रहे, तभी ही एक औरत खुश रह सकती है कि उसकी किचन में बहुत सा सामान हो और उसे किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अपनी रसोई में छोटे से जार में नमक की डली और राई भर के जरूर रखें, जिससे आपकी किचन को नज़र ना लगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हर औरत कर सकती है, और औरतों के मन में भी होता है कि हमारी इस चीज को नजर ना लगे, इस चीज को नजर ना लगे, ऐसा होता है। तो आपकी किचन को नजर ना लगे इसके लिए आप राई और एक नमक की डली एक छोटे से जार में भर के रख दें, जहां से आपकी रसोई स्टार्ट होती है वहीं से कहीं सामने उसे रख दें, जहां से एंट्रेंस है आपका किचन के अंदर। दूसरी बात है कि चार पांच चीजों को आप कभी खत्म ना होने दें, जैसे आटा है, चावल है, चीनी है, हल्दी है, नमक है, ये चीजें खत्म ना होने दें, अपने किचन में हमेशा भरी रहे। खत्म होने से पहले ही उसे मंगवा लें। अगर आप किचन में काम करती हैं तो पहले ध्यान दें कि क्या चीज आपके खत्म हो रही है। अगर आपकी बहू है या जो भी है, बच्चे हैं, बेटी है, कोई भी किचन में काम जो ज्यादा देर करती है, उससे ध्यान रखना है इस बात का कि क्या चीज हमारी खत्म हो रही है। पहले तो मैं खुद अकेले काम करती थी, अब तो बहू भी है, तो मैं बहू से कहती रहती हूँ क्या चीज खत्म हो गई है पहले बता देना, क्योंकि खाली एकदम डब्बा कभी नहीं होना चाहिए, बहुत अशुभ होता है खाली डब्बे। डब्बों को हमेशा भर के रखें, जैसे आटा है तो आटे के डब्बे को आप कभी भी उल्टा नहीं करें, खाली करने के हिसाब से भी उसमें एक कटोरी रखें चाहे कुछ रखें, तो उसे उल्टा ना करें और कटोरी से ही आटा निकालती रहें। और जिस दिन साफ करना है उस दिन भी आप कटोरी से ही सारा साफ करते हैं आटे को, और फिर आप उस अपने कंटेनर को, आटे के कंटेनर को साफ कर लें, और जब उसमें आटा भरें तो चार पांच तुलसी के पत्ते आप उसमें जरूर डाल के और फिर आटा भरें। तो हर बार ऐसे ही करें, जब भी आप आटा भरें उसमें आपका जो आटे का कंटेनर है उसमें आप चार पांच तुलसी के पत्ते डालकर फिर अपना आटा डालें, और उन तुलसी के पत्तों को फिर बाद में जब वो सूख जाए तो उन्हें किसी क्यारी में डाल दें। दूसरी बात आती है चावल की, तो चावल है तो चावल में भी कहते हैं एक चांदी का सिक्का डाल देना चाहिए। चांदी का सिक्का चावल के, जब हम भरेंगे चावल के डब्बे को तो उसके नीचे चांदी का सिक्का डाल दें, और चीनी के डब्बे में भी चांदी का सिक्का डालकर रखें, इससे आपके बरकत रहेगी किचन में। दूसरी बात यह है कि आप कभी मांगने ना जाएं, बहुत सी औरतों की आदत होती है कि अपने सामान का, ग्रॉसरी के सामान का ध्यान नहीं रखती हैं कि क्या खत्म हो गया है क्या नहीं, और मांगने चली जाती हैं पड़ोस में। बहुत सी ऐसी औरतें हमारे पहले हुआ करती थी जो कभी दाल दे दो, एक कटोरी दाल दे दो, कभी कहती चावल दे दो, नमक दे दो,
ये दे दो वो दे दो, तो ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप अपनी किचन में खत्म होने से पहले ही सामान मंगवा लें, जिससे आपको जाकर मांगना ना पड़े। नमक आप किसी से ना मांगे कभी भी। तो नमक में आप नमक का जो जार है, नमक का जार ज्यादातर कहते हैं कि कांच का होना चाहिए, और उसमें 4-5 लौंग डाल के रखनी चाहिए, इससे बरकत रहती है। तो मैं तो अपने नमक को कांच के जार में भर के रखती हूँ और फिर उसमें 4-5 लौंग डाल देती हूँ। सुना है मैंने, तो फिर सुना है, तो मैं ऐसी चीजों को तो मान लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आलतू फालतू ये बातें नहीं है, ऐसी बातों को कई बार मानना भी चाहिए। और अपनी किचन में है तो अन्नपूर्णा की तस्वीर जहां तक हो वहां लगा के रखें। अन्नपूर्णा माता की तस्वीर है, गणेश जी की तस्वीर है, तो इसमें आप सबसे पहले खाना बनते ही और सात्विक खाना बनाए, भगवान के लिए सात्विक खाना बना के, और सबसे पहले थाली है वो भगवान को लगा दें, अन्नपूर्णा माता को लगा दें, गणेश जी को लगा दें। सबसे पहले भगवान को थाली लगाएं, फिर खाना खाएं। कोई भी चीज मैं तो पहले भगवान को और बड़ों को, पूर्वजों को लगा के फिर ही खाना खाती हूँ। अपने मन में संकल्प कर लेती हूँ कि हे भगवान, आप पहले खाना लीजिए, हे माता पिता या जो भी पूर्वज हमारे हैं वो पहले खाना लेंगे, फिर हम खाएंगे खाना। तो इस तरह से आप पहले थाली भगवान को लगाए, फिर खाएं, तो आपकी कभी भी कमी नहीं पड़ेगी खाने में, कभी भी। ये मेरी मैं गारंटी देती हूँ कि आप अगर पहले भगवान को खाना लगाते हैं या अपने पूर्वजों को खाना लगाते हैं अपनी थाली, तो आपकी कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। किचन में हमेशा नहाकर ही घुसें, ऐसे ना घुसें, ठीक है चाय बना लें और कर लें तो कोई बात नहीं, लेकिन खाना जब भी बनाए तो आप नहाकर ही बनाए खाना, क्योंकि हम भगवान को चढ़ाएंगे तो फिर नहाकर ही खाना बनाए और फिर चढ़ाए भगवान। तो ये जरूरी, आपको कि नहाना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप किचन में घुसें। हाँ, ठंड लगती है और लगती है, तो ठंड नहीं लगेगी आपको जब आप भगवान का सोच लेंगे कि हमें भगवान को खाना चढ़ाना है, तो आपको कोई ठंड वंड नहीं लगेगी। आप सबसे पहले नहाएंगी, और नहाने के बाद ठंड वैसे भी आधी हो जाती है, तो आप पहले सबसे नहाएं फिर किचन में घुसें। तो ये भी एक बरकत का तरीका है, नहा धोकर ही किचन में घुसना चाहिए। हल्दी है तो हल्दी कभी भी खत्म नहीं होने दे, हल्दी को ज्यादा ही मंगाए आप। हल्दी तो जैसे, हल्दी के बिना तो ना तो कोई खाना बनता है ना, और भगवान के भी हल्दी चटती है, आपने शादी में भी पहले हल्दी चटती, तो हल्दी को तो बहुत ही अच्छी माना जाता है। तो हल्दी आप कभी भी आपकी किचन में खत्म ना होने दें, हल्दी को एक्स्ट्रा मंगा के रखें। चाहे आपके घर में पाव हल्दी रखती लगती है, तो आप पाव हल्दी एक्स्ट्रा मंगा के रख दें, तो हल्दी को कभी खत्म ना होने दें। मैं तो एक्स्ट्रा मंगवा के रखती हूँ हल्दी को, एक पाव आधा किलो कुछ ऐसे, जितनी भी आपके लगती है, मान लो आपके 100 ग्राम ही लगती है, तो 100 ग्राम का एक पैकेट आप मंगवा के एक्स्ट्रा रख लें, तो आपका वो पैकेट पड़ा रहेगा। जितना वो लगेगा एक पैकेट, उतना में आपका एक पैकेट हमेशा ही पड़ा रहेगा। तो एक पैकेट हमेशा हल्दी का मंगा के रखें, चाहे पाव का हो, चाहे जितना भी आपके लगता हो, तो हल्दी खत्म नहीं हो। और ऐसे ही मतलब हर गृहिणी को ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज खत्म हो रही है, तो वो पहले से पहले ध्यान रख ले, खाली ना होने दे। डब्बे बिल्कुल खाली अच्छे नहीं लगते हैं और ये अशुभ भी होते हैं, इसलिए पहले से ही घर में भी बता दें कि ये चीज हमारी खत्म हो रही है। अपने हस्बैंड को या जो भी आपके घर में सामान लाता है उसे बता दें कि हमारी ये चीज खत्म हो रही है। कई बार ऐसा होता है चाय की पत्ती खत्म होगी, कोई आ गया और मुश्किल हो गई कि चाय कैसे बनाए, तो पहले से 2 दिन पहले आप बताइए घर में। कोई भी गृहिणी है जो घर में खाना बनाती है या ज्यादा टाइम उसका किचन में गुजरता है, तो उसे पहले बता देना चाहिए कि ये चीज खत्म हो रही है हमारे, तो इसे लाना है। तो आपका हस्बैंड है या आपका बेटा है या आपका भाई है, जो भी लाता है घर में सामान, वो ला देगा खत्म होने से पहले। तो खत्म ना होने दें, सबसे बड़ी ये आदत आप रखें, एक गृहिणी का यही गुण है, सबसे बड़ा गुण ये है कि वो अपने किचन में ध्यान रखे कि क्या चीज खत्म हो गई है। सब्जियां कई बार खत्म हो जाती है, एंड में आप कहोगे कि ये खत्म हो गई, वो खत्म हो गई, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप पहले से पहले ध्यान रखें कि आपकी क्या चीज खत्म हो गई है, 2 दिन पहले ध्यान रखें,
दो तीन दिन का सामान आपके पास हो तब आप ध्यान रखें कि आपकी ये चीज खत्म हो रही है, और आप घर में बताएं, चाहे तो आप जिसको भी बताना है, जो भी लाता है आपके घर में उसे बताएं कि ये सामान खत्म हो रहा है और ये सामान लाना है। कई बार ऐसे करती है लेडीज के दूध खत्म हो गया, तो एंड में अगर कोई आ गया आपके यहाँ तो फिर उस टाइम बताएंगी कि दूध खत्म हो गया। अरे तो कोई एकदम कैसे लाएगा, वो मेहमान के पास कोई बैठेगा या आपको दूध लाके देगा? बेइज्जती हो जाती है मेहमानों के सामने। तो ध्यान रखिए कि आपके घर में क्या चीज खत्म हो गई है और क्या नहीं, तो ये चीजें ध्यान एक गृहिणी को ही रखनी है, और इसी से बरकत होती है। बस मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई चीज खत्म होने से पहले ही मंगवा लें, और ध्यान रखें आप डब्बे खाली न रखें, इसी से आपकी बरकत होगी। और जो जो मैंने बताया कि आटे में तुलसी डाल के रखनी है आपको, चावल में कोई चांदी की चीज डाल दें, चाहे तो आपके पास बिछिया है तो बिछिया ही डाल दें छोटी सी, चावल चीनी में चांदी की चीज डाल दें, कहते हैं सफेद चीजों में चांदी बरकत करती है, तो नमक में आप थोड़ा सा लौंग का सुना है मैंने, लौंग डाल दें तो आपकी बरकत होगी घर में बहुत। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये सुझाव अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू दोस्तों।